हेलो स्टूडेंट, मैं आज नाउन्स मेल एंड फीमेल के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सम नाउन्स शो द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के बारे में यहाँ पे डिफरेंस बताई गई है। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस इन जेंडर। इसको डिफरेंस इन जेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेंडर चेंज होती है। जैसे मैन, मैन मतलब आदमी, वोमेन मतलब औरत। तो ये मैन जो हो गया ये मेल में आ गई, और वोमेन जो आ गया वो फीमेल में आ गई। बॉय मेल, गर्ल फीमेल, हेन मेल, कॉक फीमेल। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसा बताया गया है, द वर्ड्स मैन, वोमेन, बॉय एंड गर्ल टेल्स अस वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो इससे आपको पता चलता है मेल है कि फीमेल है। समझ में आ गया, मेल मतलब जो आदमी के श्रेणी में आते हैं, और फीमेल मतलब जो औरत या लड़की के श्रेणी में आते हैं। तो मैन एंड बॉय रेफर्स टू मेल्स। मैन और बॉय जो है मेल्स को रेफर करते हैं, एंड वोमेन एंड गर्ल रेफर टू फीमेल्स। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, आदमी या लड़का मेल को रेफर करते हैं, और औरत और लड़की फीमेल से रिफर करती है। तो इन एनिमल्स हेन इज फीमेल। एनिमल्स में हेन क्या है, फीमेल है, एंड कॉक इज मेल, और कॉक मेल है। इंस्टेड ऑफ मेल एंड फीमेल इन ग्रामर वी यूज द वर्ड्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैंने जैसे पहले भी आपको ये पढ़ा चुकी हूँ जूनियर क्लासेस में, मतलब क्लास वन में पढ़ा चुकी हूँ कि मैस्कुलिन मतलब मेल और फेमिनिन मतलब फीमेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने वाली हूँ वर्कशीट, बट ये सॉल्व करके मैं बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि आप बहुत छोटे हो नहीं कर पाओगे, तो मैं ये सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। राइट नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर इन ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर बताना है। ही का क्या होगा, यहाँ बॉक्स दिया गया है, आप देख रहे हो, यहाँ पे बॉक्स से आपको चुन के लिखना है। तो ही का क्या हो जाएगा, शी। नीज, नीज का क्या होता है, नेफ्यू। कहाँ है नेफ्यू, इधर है ना। जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या होगा, सोचो, मैंने पहले भी कराया है आपको जेंटलमैन। लेडी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। क्वीन क्या होगा, क्वीन का किंग। लैंड लेडी, लैंड लॉर्ड। डॉटर, डॉटर मतलब बेटी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सन बेटा। सिस्टर, ऐसे सोच सोच कर करने का अपने आप आ जाएगी। सिस्टर, ब्रदर। प्रिंसेस, प्रिंस। वाइफ, हस्बैंड। वोमेन, मैन। ऐसे ढूंढ ढूंढ के यहाँ से लिखने का। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्वेश्चन में जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन नाउन्स विथ नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो यहाँ पे सेंटेंस की हुई है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है। ये जो अंडरलाइन की हुई है ना, इसका ऑपोजिट जेंडर आपको लिखना है, लेकिन पूरे सेंटेंस में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि ब्रदर का सिर्फ यहाँ पे आप सिस्टर लिख दो, यहाँ पे पूरे सेंटेंस में। जैसे पहले हीज है, तो यहाँ पे हीज लिखोगे, ब्रदर के जगह सिस्टर लिखोगे, है ना, सिस्टर। उसके बाद लव्स, साइकिलिंग। समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है, ऐसे ही सब करोगे। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, द मैनेजर वांट्स टू मीट योर हस्बैंड। द मैनेजर वांट्स टू मीट योर वाइफ होगा यहाँ पे, ठीक है। द किंग लव्ड हिज डॉटर। द किंग लव्ड हिज सन। हर फादर इज अ टीचर। हर मदर इज ए टीचर, यहाँ पे लिखोगे। द बॉय इज माई नेफ्यू। तो दैट, सॉरी हाँ, दैट बॉय इज माई नेफ्यू। तो यहाँ पे दैट बॉय के जगह गर्ल, इज माई नेफ्यू के जगह नीस। द प्रिंस हैज अ हॉर्स। तो द प्रिंस, प्रिंस के जगह प्रिंसेस, हैज अ हॉर्स के जगह मेयर। ठीक है, समझ में आ गया। एक और दे देती हूँ, बहुत ही
इजी है और बहुत ही कलरफुल है, आपको बहुत मजा आएगी। यहाँ पे क्या है, मैच द नाउन्स इन कॉलम ए विथ करेक्ट नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए में देखो डॉग लिखा हुआ है, डॉग, गैंडर, बुल, पीकॉक, बिली गोट, डियर, टाइगर, ड्रैक। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम बी में गूस, पीहेन, बीच, डो, काउ, टाइग्रस, डक, नैनी गोट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डॉग, डॉग का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, बीच। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके मिलाना है। ठीक है, गैंडर, गूस, बुल, काउ, पीकॉक, पीहेन, बिल्ली गोट, नैनी गोट, डियर, डो, टाइगर, टाइग्रस, ड्रेक, डक। ठीक है, समझ में आया इतना? कोई कोई क्या बोलता है कि मैडम समझ में नहीं आ रही है हमें, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कुछ दिक्कत ना। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, आप पूछ सकते हो, है ना। तो आपको बाद में जाके भी दिक्कत, जब स्कूल खुलेगी आपको दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम के लिए आप रेडी रहोगे। इसको लर्न करना और लिखना। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।